राज पुरोहित तथाचार्य का नाम सुना है यार? हाँ हाँ सुना है, पर उनसे भेंट नहीं हुई कभी। वो कौन है, विदित है आपको? हाँ हमने सुना है कि उनके तरह दुष्ट, पाखंडी, दुराचारी, भूखड़, कपटी, भोजन भट्ट, कुदस्ती वाला। उनके जैसा पापी पूरे विजयनगर में कोई नहीं है। यदराज, महान व्यक्ति हम हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि मैं तो हमेशा औषधालय में रहता हूँ, बाहर के लोग ऐसा कह रहे थे। आपने हमारे बारे में जो सुना है वो सत्य है। यदि आपने हमारे कथा अनुसार कार्य नहीं किया तो जो आपने सुना है उसे सत्य सिद्ध कर देंगे। नहीं नहीं कदापि नहीं, आप यहाँ से उड़न छू हो जाइए। मनी मनी जी गुरु जी। जानते हो इसमें क्या है? स्वर्ण मुद्राएं। आचार्य जी आपका कार्य हो जाएगा, हम पंडित रामकृष्णा को ऐसी औषधि देंगे कि उनके मस्तिष्क से गत 5 वर्षों की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी, है ना? बस एक बात का ध्यान देना आवश्यक है, अगर उन्होंने कमल ककड़ी खाई तो हमारी औषधि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वो पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। कमल ककड़ी, हम ध्यान रखेंगे। प्रणाम। लेना लेना, चलता चल लेके आओ, लगता है कोई भिक्षा मांगना है। आइए आइए आइए, उठा लो। क्या? अरे अपना झोला उठा लो, हम आटा लाए हैं। क्षमा कीजिए, हम विच्छुक नहीं वैद्य हैं। महाराज की आज्ञा से पंडित रामकृष्णा का रोग उड़न छू करने आए हैं। आइए आइए। ये एक पुड़िया औषधि है, इसे पंडित रामकृष्णा को सेवन करने को कहिएगा और हमें यहां से उड़न छू होने की आज्ञा दे। लाइए। अरे परंतु ये तो भिक्षुक के लिए, आप तो भिक्षुक नहीं हैं। आप चिंतित ना हो, हम इसे भी उड़न छू कर देंगे। क्या है, क्यों सता रही हो? सोने दो मुझे। अपने शरीर को उठा लो और औषधि ग्रहण करो। मुझे नहीं खानी कोई औषधि, नहीं खाऊंगा मैं। आपके समक्ष 2 विकल्प हैं, या तो अम्मा की लाठी खा के औषधि खा लो या तो हमारे हाथों से प्यार से औषधि खा लो। चुनो शीघ्र। तुम्हारे सुंदर हाथों से और प्यार से तो मैं विषपान भी प्रसन्नता पूर्वक कर सकता हूँ। लाओ गला प्यार आला है शारदा पर। शारदा इसके जाल में फंसा हुआ, मैं इसके लग लग पहचानता हूँ, ये नहीं खाएगा औषधि, देख लेना। क्या मैं इसकी लग लग पहचानता हूँ? ये लो, हो गया। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको जो भी रोग है ना सब चला जाएगा। कैसा लग रहा है? अब तक तो पंडित रामकृष्णा ने औषधि ले ली होगी। प्रातःकाल पंडित रामकृष्णा को राज पुरोहित तथाचार्य का विरोध करने का परिणाम मिल जाएगा, उसके विगत 5 वर्षों की स्मृति लुप्त हो जाएगी एवं उसके पश्चात पुनः पलायन होगा विजयनगर से तेनाली गांव पंडित रामकृष्णा का। Ha 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 ha
मैं कहा हूं इतना विशाल भवन, परंतु मैं यहां आया कैसे? ये अवश्य ही किसी नगर सेठ का भवन होगा, परंतु मैं यहां क्या कर रहा हूं? कुटप्पा यहां क्यों सो रहा है? अपने घर क्यों नहीं गया? कुटप्पे, अरे कुटप्पे, ये उठ, अरे उठ जा कुटप्पे। अरे तू एक ही रात्रि में इतना बड़ा कैसे हो गया? गुंडी लेकर आता हूँ। जल्दी ला। कौन सा स्थान है ये? अपना तेनाली गांव तो नहीं लगता। अरे ये मैंने किसके वस्त्र पहने गुंडप्पे? बड़े सुंदर है गुंडप्पे, आज कोई त्योहार है क्या? अरे भगवान, लगता है इसका भूलने का लोग और अधिक बल गया है। ये तेनाली नहीं, विजयनगर है। विजयनगर? विजयनगर? अरे परंतु हम विजयनगर किस प्रयोजन से आए हैं? हम तो तेनाली गांव में रहते हैं ना। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? हम पहले तेनाली गांव में लेते थे, अब विजयनगर में लेते हैं। ओह, तू अनायास ही इतना बड़ा कैसे हो गया? कल तक तो इतना सा था। अरे हम सब तेनाली छोड़कर विजयनगर आ गए। क्यों? और अम्मा किसके भवन में सो रही है? हो, अरे तेनाली का भवन है। अधिक सोचना, तू मेरे साथ चल, तुझे विश्राम की आवश्यकता है, चल। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी तुरंत तेनाली गांव जाना होगा और शादा को सब बताना होगा। वो मुझे अपने पास नहीं देखकर बहुत व्याकुल हो जाएगी। हाँ मैं जाता हूँ। शादा के पास जाना है ना? हाँ अभी तुरंत तत्काल। हाँ तो चल। हाँ चल। अरे ये शारदा, ये तो यहाँ है, ये यहाँ क्या कर रही है? उधर अम्मा बाहर सो रही है, अम्मा उठ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। शारदा, ये अम्मा को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, दो तीन लाठे मारेंगे, इससे अधिक और कुछ नहीं होगा। आप पुत्र हैं उनके। अरे ये तो शारदा, उपयुक्त समय आएगा ना तो मैं अम्मा से स्वयं सारी बातें कर लूंगा, लेकिन अभी तुम उठो और अपने घर जाओ। चलो उठो, अपने घर जाओ, चलो। ये हमारा ही घर है, आप सो जाइए। हमारा है? तुम्हारे कंजूस पिता ने इतना बड़ा भवन कैसे खरीद लिया? पिता पे मत जाइए, हम स्पष्ट कह देते हैं। अरे ये घर हमारा है, आपका है, हमारा अपना है। तुम दोनों मेरे साथ परिहास कर रहे हो ना? हाँ, इतना बड़ा विशाल भवन मेरा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तुम उठो अपने घर जाओ, अम्मा उठ जाएंगी, मैं तुमसे बाद में वार्तालाप करता हूँ। मेरा दिमाग ऐसे ही बहुत भ्रमित हो रखा है। चलो चलो उठो, जाओ जाओ जाओ। खीर। शारदा मैंने खीर बना खिलाई थी, वो ही देने आई थी और फिर खीर खिलाते खिलाते थक गई, बोलो तो मैंने कहा यहाँ विश्राम कर लो, तो यही सो गई। पागल। खीर? कौन सी खीर? गुंडप्पा, इतना चटोरा है अम्मा, सारी खीर चट कर गया। चुरे गुंडप्पे, तू अम्मा के लिए खीर नहीं रख सकता था? हा? अम्मा लगता है इनका रोग अधिक बढ़ गया है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं ये घर हमारा नहीं है। ये घर शारदा का भी है, शारदा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। तुम शैया पर सो जाओ। हाँ, सो जाऊंगा। तुम्हारा आदेश मैं अवश्य पालन करूंगा अम्मा। हाँ मैं जाता हूँ। ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? कहाँ जा रही हो? सोने। यहाँ शैया पर सोइए। शारदा के समीप? हाँ। ऐसा अम्मा ही कह रही है। हाँ अम्मा। Thank you.
हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ। गुरुदेव कहाँ है? गुरुजी जल्दी आइए, कहाँ है? अरे मूर्खो चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ? गुरुदेव हम अति शुभ समाचार लेकर के आए हैं, हमें पुरस्कार दीजिए। अरे भिक्षुओ, कोई तो कार्य बिना पुरस्कार के किया करो। गुरुजी समाचार ही ऐसा लेकर आए हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे हमें पुरस्कार देने से। हाँ कहो कहो क्या बात। गुरुदेव पंडित रामकृष्ण की 5 वर्ष की स्मृति लुप्त हो चुकी है। हमने अपनी आंखों से देखा है, पंडित रामकृष्ण को कुछ भी ज्ञात नहीं है। सत्य कह रहे हो? गुरुदेव अगर हम झूठ बोल रहे हो तो धनी मनी के चारों नेत्र फोड़ दीजिएगा। चारों नेत्र? पर हमने स्वयं देखा है। देखा है ना मनी? देखा है देखा है। गुरुजी पंडित रामा को गुंडप्पा के साथ विचित्र वार्तालाप करते हुए। हम प्रसन्न हुए, ये तो पुरस्कार योग्य समाचार है। तो दीजिए गुरुजी। दीजिए ना। मिलेगा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। न वर्ष पर आना तब मिलेगा। अभी हमारा साधना का समय हो गया है, रुको। जी गुरुजी। अब हम एक महायज्ञ का आयोजन करेंगे, आज जिसकी दरबार में घोषणा करवाएंगे। महाराज को पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें धन की प्राप्ति। पर गुरु वर वर कुछ नहीं, पंडित रामकृष्ण को हम अपने मार्ग से हटा चुके हैं, अब कौन रोकेगा हमें? अंदर शयन कक्ष में भी नहीं है, कहाँ चली गई है? अरे वो अंदर ही तो छोड़ा है। अरे नहीं अंदर नहीं है। ताला खुला हुआ है, कहाँ चले गए होंगे ये? महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामक मंत्री जी। महाराज आज के दिवस की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज क्षमा कीजिए, महाराज हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। अवश्य गुरुवर, कहिए। महाराज विजयनगर समृद्ध राज्य है, यहाँ के नागरिक प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। अकाल भूकंप और महामारियां आपके राज्य से कोसों दूर हैं। जी महाराज, हमारे राज्य का कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं, तो इन समस्त ईश्वरीय कृपा के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, ताकि उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। हम भी यही चाहते हैं गुरुवर, आप बताइए आपने इस विषय में क्या सोचा है? इस प्रयोजन से हम एक महायज्ञ का आयोजन करने के इच्छुक हैं, जिसके लिए हम आपकी अनुमति के प्रार्थी हैं महाराज। गुरुवर इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, महायज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। परंतु महाराज हम मंत्रीवर, ईश्वर को प्रसन्न करने का कोई भी अवसर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जी महाराज। गुरुवर आप तैयारी आरंभ कीजिए। महाराज देखा मनी, बुड्ढे का दांव अंततः चल ही गया। अब ये बुड्ढा राजकोष को पूरी तरीके से लूट लेगा। हमें विदित था कि आपसे हर शिष्य महायज्ञ के आयोजन की अनुमति दे देंगे, इसलिए हमने पूर्व से ही आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर ली है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पढ़े। अवश्य पढ़िए गुरुवर। महाराज ये लीजिए गुरुजी। महाराज 5 सहस्त्र नारियल, 500 मन घी। वाह वाह, विजयनगर का राज दरबार। प्रणाम पंडित जी। आपने मुझे प्रणाम किया, आपने मेरा अभिवादन किया द्वारपाल जी। अच्छा क्या मुझे राज दरबार में प्रवेश करने की अनुमति है? अवश्य पंडित जी। सच्ची? जी। धन्यवाद धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण को तो हमने अवकाश पर भेज दिया था, फिर ये यहाँ किस प्रयोजन से खड़े हैं? 100 मन बादाम। महाराज भीम भीम, 5 नारियल, 5 सेर घी। आप आगे बढ़िए गुरुवर। 5 नारियल,
महाराज 5 नारियल नहीं, 5,000 नारियल और 500 मन घी। महायज्ञ है महाराज जी। 5 मन घी, 5 मन घी गुरुवर। 5 मन नहीं महाराज, 500 मन, 500 मन घी। ये यहां क्या कर रहा है? अभी रामकृष्णा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप मुझे जानते हैं प्रभु? हम पंडित रामकृष्णा को ऐसी औषधि देंगे कि उनके मस्तिष्क से गत 5 वर्षों की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी। हाँ हाँ जानते हैं, परिचित हैं आपसे, भलीभांति जानते हैं। आप हैं पंडित रामकृष्णा, है ना? परंतु क्या आप हमारा परिचय जानते हैं? जी अवश्य, आप राजमहल के रसोइये हैं। तभी तो 5 मन घी की मांग कर रहे थे, है ना? 5 मन नहीं, 500 मन। रसोइया किसको कहा आपने? क्या हम आपको रसोइया दिखाई देते हैं? हम स्वयं आपको अपना परिचय देते हैं। हम हैं विजयनगर के राज पुरोहित आचार्य तथाचार्य। क्षमा, प्रणाम राजगुरु, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अच्छा ये आप यहाँ भीड़ में क्या कर रहे हैं? हमारे साथ आइए पंडित रामकृष्ण, आइए। ये है विजयनगर साम्राज्य के महान चक्रवर्ती सम्राट कृष्णदेव राय। प्रणाम महाराज। आप हमें नहीं पहचानते पंडित रामकृष्ण? नहीं, परंतु आप मुझे कैसे पहचानते हैं? ये आप क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? सम्राट हम नहीं, सम्राट सम्राट वो है। क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो क्या है कि मैंने सुना था कि महाराज सम्राट ऐसे मोटे ताजे होते हैं इनकी तरह, इसलिए इन्हें महाराज समझने की भूल कर बैठा। क्षमा करें। पंडित रामकृष्ण हम महामंत्री। अच्छा, वो क्या है कि आपसे पहले कभी भेंट नहीं हुई ना, इसलिए। और आप महाराज इतने दुबले पतले कसरती शरीर वाले, एकदम सुंदर। क्षमा करें महाराज कृष्णदेव राय, मैं हमेशा से आपसे भेंट करने का स्वप्न देखा करता था, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज आप भी मुझे पहचानते हैं, परंतु ये संभव कैसे है? मैं तो आज आपसे पहली बार भेंट कर रहा हूँ। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि आपने इससे पूर्व महाराज को कभी नहीं देखा? ये आप कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? जब मैं कह चुका हूँ कि मैं महाराज से पहली बार भेंट कर रहा हूँ, तो इन्हें पहले कभी देखने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है? पंडित रामकृष्ण, ये हुआ तुम्हारा विजयनगर का अध्याय समाप्त। We'll be right back.